तो चलो प्यार बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड सवाल है। ये स्टोन इज प्रोजेक्टेड एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू। अगर एक स्टोन यहाँ से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया और ये एंगल कुछ थीटा डिग्री है, तो अगर मैं इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ये एंगल कुछ थीटा डिग्री है यहाँ से, तो तुम देखोगे ये जो पार्टिकल है पैराबोलिक पाथ पे ऐसे जाएगा, लेकिन ये सर्कल तो नहीं है ना, ये पैराबोला है भाई। यहाँ से आपने फेंक दिया ऐसे, तो ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। तो हर पॉइंट पे एक सर्कल ऐसे इमेजिंग किया जा सकता है, हर पॉइंट पे ये यहाँ पे, ठीक ना, ये यहाँ पे ऐसे। तो ये जो सर्कल होता है वो, ये जो पॉइंट पी है, इसी जो सर्कल, ये जो सर्कल यहाँ पे पॉसिबल है, इसी सर्कल का हमें रेडियस निकालना है, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कल ऐसे बनेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास यहाँ जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, वो है यू कॉस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि जो यू एक्स होता है, इनिशियल यू एक्स होता है, वी एक्स होता है, वो यू कॉस थीटा, हॉरिजेंटल में कभी भी वेलोसिटी बदलती नहीं इस वाले प्रोजेक्टाइल में, और वर्टिकल में यहाँ जीरो होती है। तो इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं भाई? तो इस पे फोर्स देखोगे तो एक वेट एम जी लग रहा है, सर्कुलर मोशन का सवाल है ये। और ये जो सेंटर है वो सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ जा रहा है, सर्कल का सेंटर सी है, रेडियस आर है। तो अब हम सबको पता है सर्कल में चलने की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा बच्चों? सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है जो नेट रियल फोर्स होता है सेंटर की तरफ। तो नेट रियल फोर्स सेंटर की तरफ क्या है भाई? नेट रियल फोर्स जो सेंटर की तरफ है वो एम जी है। तो यहाँ जो एम जी है वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एम जी मस्ट भी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स एम भी नेट स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और यहाँ पर देखोगे तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एम जी इधर लग रहा है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा तो वो यहाँ प्रोवाइड करेगा। यहाँ डायरेक्ट टोटल एम जी प्रोवाइड कर रही है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, मास से ख़त्म हो गया, रेडियस चाहिए था, तो बी की वैल्यू रख दो, बी बी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर यहाँ से जी, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम देखोगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, मतलब अपना सी ऑप्शन मैच कर जाता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल से मिलकर बना हुआ एक क्वेश्चन था। थैंक यू।